आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरमोहन धवन का शनिवार देर शाम मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। बता दें कि वह 83 वर्ष के थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। पूर्व मंत्री धवन ने अंतिम समय तक आम लोगों के लिए संघर्ष किया। जनता के लिए वह कई बार जेल भी गए थे। वहीं उनके निधन से समूचे शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। गौरतलब है कि हरमोहन धवन का जन्म 14 जुलाई 1940 को फतेहजंग जिला कैम्बलपुर में हुआ था। भारत और पाकिस्तान बंटवारे के बाद वे अपने परिवार के साथ अंबाला छावनी आ गए थे और वहीं से उन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की थी। वर्ष 1989 में धवन चंडीगढ़ के सांसद चुने गए थे और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार में वे नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। वे अपने पीछे पत्नी सतिंदर धवन और दो बेटों व एक बेटी समेत भरे पूरे परिवार को छोड़ गए हैं। उनके निधन पर शहर के कई नेताओं समेत अन्य लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं इस मौके पर भाजपा और शहर की सांसद किरण खेर भी उनके निवास स्थान पर पहुंची और कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन काफी मिलनसार व्यक्ति थे और उन्होंने वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में उनकी मदद भी की थी। उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति शहर को हुई है और काफी शहर को विकास की सौगातें भी दी उनके द्वारा दी गई, जिसमें अस्पताल जैसी सौगातें शामिल था। चंडीगढ़ से संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। 2014 के चुनाव मेरे नाल कंधे से कंधा मिलाकर हर रैली में मेरे साथ थे। मुझे छोटी बहन बुलाते थे एंड उसके बाद भी हमारा साथ रहा। कभी उन्होंने अपना वो मेडिकेट का कुछ भी लॉन्च करना या कुछ, आई वॉज ऑलवेज विद हिम। अच्छे इंसान थे। और ये हमारा 32 वाला जो कॉलेज हॉस्पिटल आया है, ये जब ये मिनिस्टर थे तब ये लाए थे। इट वॉज अ बिग थिंग फॉर द सिटी। He was a good man, मिलनसार थे, बड़े दिल वाले थे, प्यार वाले थे। उनकी वाइफ सतिंदर जी भी बहुत अच्छी लेडी है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। राजनीति दे विच एक इरा जड़ा हैगा वह वो समाप्त हो गया। और मुझे तो ये भी लगता है कि अगर चंडीगढ़ की राजनीति का भीष्म पितामह अगर कोई है तो वो शायद हरमोहन धवन जी ही थे। वो एक ऐसे इंसान सीगे कि जड़े पॉलिटिकल जड़ी है डिफरेंशिएशंस दे बियॉन्ड भी जाके और दूसरे नो भी गले लगा लेंदे सीगे। बहुत गहरा दुख होया है धवन साहब दे गुजर जान पे। एक बहुत ही अच्छी शख्सियत दे मालिक सन, हर एक नू अपना बना लेंदे सन, जिस नू भी मिलदे अते जिस नाल विवाह पिया उते एक बहुत वड्डा प्रभाव छड्या। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਹਰ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਰਮੋਹਨ ਧਵਨ ਜੀ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਰਮੋਹਨ ਧਵਨ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ, 32 ਸੈਕਟਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ MP ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪ੍ਰੀਏ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਰਸਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਹਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਯੰਗ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। 32 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਛਾਪ